पे सर से हम जानना चाह रहे हैं कि पश्चिम चंपारण जिले के अल्पसंख्यक भाइयों और खासकर मुसलमान भाइयों को क्या संदेश दे रहे हैं, इस पे जानने के लिए मैं इनसे पूछता हूँ। जी बोला जाए। ईद पे हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए यही संदेश है कि इस बार निश्चित रूप से हम सभी मुसलमान भाई सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, चूंकि मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज होनी नहीं है, तो ये आह्वान है, अपील है, गुजारिश है सभी मुसलमान भाइयों से कि इस बार ईद जो है, ईद की नमाज हम बिल्कुल पूरे शांति और सौहार्द के साथ, प्रेम और आपसी भाईचारे का माहौल बनाते हुए हम अपने घरों में नमाज को अदा करेंगे या ऐसी जगह पे अपनी नमाज को अदा करेंगे जहाँ हमारे दो तीन घर के साथी हों, हम दो चार पाँच 10 लोग मिल करके उस नमाज को हम कर लें, खुशी खुशी इस बार हम अपने त्यौहार को संपन्न करें। ईद पे लगातार आपका कार्यक्रम चल रहा है, इसका प्रेरणा इसकी प्रेरणा निश्चित रूप से हमारे जिले के एकमात्र मंत्री बिहार सरकार के जनाब खुर्शीद आलम साहब और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष MLC और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब तनवीर अख्तर साहब की एक सोच थी, जो फिक्र रोज़ा हम लोगों ने पूरे रमज़ान भर ये कार्यक्रम चलाया, वैसे मुसलमान भाइयों के घरों तक हम पहुँचे हैं जो रमज़ान के महीने में बिल्कुल परेशान थे। हम लोग उनके दरवाजे तक गए और फिक्र रोज़ा के तहत हम लोगों को राशन मुहैया कराता है कि उनके उनकी रमज़ान जो है, वो रोज़ा रखते हैं, उनकी रमज़ान जो है आसान हो सके, वो परेशान ना है। और अगली कड़ी में हमने आगामी रविवार को जब माननीय मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात हुई, तो उन्होंने भी बड़ी खुशी जाहिर की इस बात पे कि आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि और ईद भी आने वाला है, ईद पर भी आप लोगों को बधाइयाँ, और देखिए कि आपके अगल बगल और अड़ोस पड़ोस के लोग, ऐसा ना होगी कि किसी की ईद जो है वो फीकी हो जाए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से वो ये उस समय भी उनको बताया था, वादा किया था कि सर हम लोग 500 घरों में ईद के तौर पर सेवई, चीनी और अन्य तरह के सामग्रियां जो है ईद के लिए हम लेके जाएंगे, और आगामी 2 दिनों से हम ईद के लिए एक किट जो है, ईद की किट हम लोगों के घरों तक तो पहुंचा रहे हैं। सर, सुनने में आया कि कई जगह से कॉल आ रहे हैं और उस पर भी जा रहे हैं कि हाँ, बहुत तो कल कल हम लोग, चूंकि हम लोग प्रॉपर वे में हम लोग बेतिया ही रहते हैं, बेतिया शहर में रहते हैं, लेकिन कल ही हम चनपटिया प्रखंड के गुरवलिया सियारोसती गांव में भी गए थे, वहाँ से हम लोगों का फोन आया, धुकराहा भी हम लोग गए थे, और तमाम जगहों से फोन आ रहा है, शहर में भी बहुत सारे जगह हैं, कालीबाग है, माटोली है, बहुत सारे मनसा टोला, तमाम जगहों से हमें फोन आता है, और बहुत प्यार से हम और हमारी टीम के जो लोग हैं काफी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग वहां तक तो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ इसका मैं जो है, इस सोच को हम लोग जो ये कर रहे हैं, वो माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण खुर्शीद साहब और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के माननीय MLC तनवीर अख्तर साहब की ये सोच है, उस सोच को हम आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ा बात इन्होंने कहा। निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम है सफल होगा और जिनके घर में ईद नहीं है वो ये न्यूज़ के माध्यम से, बिहार न्यूज़ भी आह्वान करता है कि अल्पसंख्यक जो अध्यक्ष हैं बेतिया ज़िले के, उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपनी ईद की मांग कर सकते हैं और खुशी खुशी ईद मुबारक कर सकते हैं, ईद मना सकते हैं। बेतिया से हरिकेश कुमार तिवारी, पश्चिम चंपारण, बिहार।